पुराने जमाने का तू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैक रूम। स्लो इंटरनेट बहुत ही परेशान करता है, खासकर जब हम लोग शहर से बाहर होते हैं या नेटवर्क कवरेज एरिया से दूर होते हैं, तब हमें इंटरनेट चलाने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होता है। तो आज हम लोग बनाएंगे एक 4G एंटीना जिससे हम लोग अपने इंटरनेट को बूस्ट कर सकते हैं। इवन जहाँ पर बहुत लो नेटवर्क होता है वहाँ पर भी इस एंटीना का यूज करके हम लोग फास्ट इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। हमारे इंडिया में 4G नेटवर्क 2300 से 2400 मेगाहर्ट्ज़ पर काम करता है, तो हम लोग जो एंटीना बनाएंगे इसी के लिए बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक लंबा सा बोल्ट और कुछ नट और मेटल सीट। मैं यहाँ पर टीन ले रहा हूँ, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया उसी साइज का हम लोग सर्कल काट लेंगे। मैं सबसे पहले 91 mm डायमीटर वाला सर्कल काट ले रहा हूँ। यह टीन है तो बहुत ही आसानी से कैंची से भी कट जा रहा है। बोल्ट में फिक्स करने के लिए इसके बीचों बीच में होल कर दे रहा हूँ। अब इसमें होल हो चुका है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यह दिखाई दे रहा है। इसी तरह मैं सभी सर्कल में होल कर लिया हूं। अब 69 mm डायमीटर वाले सर्कल में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करके ऊपर से और साइड से 10 mm पर मार्क करके दो छोटा सा होल कर देंगे कुछ इस तरीके से। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जितना मैं बता रहा हूं उससे थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस होता है तो यह एंटीना काम नहीं करेगा। और देख सकते हैं मैं यहां पर भी अब होल कर दे रहा हूं। अब इसमें होल हो चुका है, तो मैं इसको 91 mm डायमीटर वाले सर्कल पर रख करके इसमें भी मैं मार्क कर ले रहा हूँ और इसमें भी मैं होल कर दे रहा हूँ। अब हमें चाहिए डिश एंटीना में लगने वाला केबल का नट और इसको मैं तोड़ दे रहा हूँ। अब यह टूट चुका है, तो मैं इसको 91 mm डायमीटर वाले सर्कल में फिक्स कर दे रहा हूँ। यह थोड़ा सा कमजोर है, तो मैं इसको सोल्डिंग करके मजबूत कर दे रहा हूँ। अब यह मजबूत हो चुका है, तो मैं डायग्राम के अनुसार इसको फिक्स कर दे रहा हूँ बोल्ट्स में। अब मैं इसको डायग्राम के अनुसार फिक्स कर लिया हूँ, तो यहाँ पर मैं 10 mm पर मार्क करके और इसको काट दे रहा हूँ। अब मैं इसमें दो कोएक्सियल केबल लगा दे रहा हूँ जो डिश एंटीना में यूज किया जाता है, और इसको मैं सोल्डिंग कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, अब यह 4G एंटीना बन के पूरा तरह से तैयार हो चुका है। चलिए अब इसको टेस्ट करने के लिए एक ऐसे जगह पर चलते हैं जहां पर बहुत ही मुश्किल से इंटरनेट चल पाता है, तो चलिए चलते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस किले के पास में जो कि अंग्रेजों के जमाने के हैं। यहाँ पर बहुत ही सारा पेड़ पौधा है और इसके एक साइड में बहुत ही बड़ा फील्ड है और इसके एक साइड में बहुत ही बड़ा नदी है। यहाँ पर सिग्नल बहुत ही ज़्यादा वीक रहता है, यहाँ पर इंटरनेट चलाने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है। तो चलिए अब इसको इस एंटीना का यूज करके देखते हैं हम लोग इंटरनेट स्पीड बूस्ट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप जियो फाई यूज करते हैं तो जैसा कि इसमें दो वायर निकला हुआ है इस एंटीना में से, तो एक वायर यहाँ पर और एक वायर यहाँ पर चिपकाना पड़ेगा। अगर आप एयरटेल का हॉटस्पॉट यूज करते हैं तो नेटवर्क वाले लाइट के सामने एक वायर यहाँ पर और एक वायर यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा। अगर हम लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग उसका इनबिल्ट एंटीना रहता है, तो उसमें चिपका पाना आसान नहीं होता है। अब मैं सबसे पहले इस जियो का इंटरनेट चेक करने वाला हूँ बिना एंटीना का यूज करके, और साथ ही साथ मैं इसका सिग्नल भी टेस्ट करूँगा कितना सिग्नल आ रहा है बिना एंटीना के। तो चलिए सबसे पहले जियो फाई को कनेक्ट कर लेते हैं कंप्यूटर से। हो गया कनेक्ट, अब मैं क्रोम ब्राउजर खोल ले रहा हूँ।
अब मैं सबसे पहले इसका स्पीड टेस्ट कर ले रहा हूँ। speedtest.net खुल चुका है, अब मैं इस गो वाले बटन पर क्लिक कर दे रहा हूँ और देख सकते हैं कनेक्टिंग होना चालू हो गया। पिंग 67 है और इसका डाउनलोडिंग स्पीड देख सकते हैं अभी बिना एंटीना के 3 MB तक चला गया है। 2 MB, 2.5, 2.7, 2.4, 2.3, 1.88 MBPS और अपलोडिंग स्पीड देखते हैं कितना आ रहा है। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लगता है अपलोडिंग स्पीड बहुत ही स्लो है और अपलोडिंग स्पीड देख सकते हैं 0.5, 0.2 बहुत ही कम है या अपलोडिंग स्पीड 0.22, 0.20, 0.1917 बहुत ही कम है। और देख सकते हैं रिजल्ट आ चुका है, पिंग 67 है और डाउनलोडिंग स्पीड 1.76 और अपलोडिंग स्पीड 0.15 MBPS। चलिए अब देखते हैं इसका सिग्नल कितना है। तो मैं geofy.local.html खोल ले रहा हूँ और सिग्नल देख सकते हैं यहाँ पर RSRP -112 dBm है जो कि बहुत ही कम है। चलिए अब इस एंटीना का यूज करते हैं। अब मैं इस दो वायर को इस geofy में फिक्स कर दे रहा हूँ, एक वायर यहाँ पर और एक वायर यहाँ पर। तो चलिए इसको टेप से फिक्स करते हैं। अब यह फिक्स हो चुका है। अब मैं इस एंटीना को अलग अलग डायरेक्शन में चेंज करूंगा, जहां पर सबसे ज्यादा सिग्नल मिलेगा वहीं पर रोक करके इसका स्पीड टेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें एक बात का और ध्यान रखना होता है, ये वायर अगर काम नहीं कर रहा है तो इसको हम लोग अपोजिट साइड में लगा देंगे, इसको नीचे और इसको ऊपर, तब हमारा सिग्नल बूस्ट हो जाएगा। एडजस्टमेंट करने के बाद -95 dBm हो चुका है। तो चलिए अब इसका स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, कितना स्पीड आ रहा है। पिंग 66 आ चुका है और डाउनलोडिंग स्पीड, ओ माय गॉड, 17 MBPS, 18 MBPS तक चला गया था। 17 MBPS, 18 MBPS, 19 MBPS, 19 MBPS तक चला गया था। अब चलिए अपलोडिंग स्पीड देखते हैं कितना तक चला जा रहा है। ओह, अपलोडिंग स्पीड तो यहाँ पर बहुत ही कम मिल रहा है, 0.3, 0.24, बहुत ही 0.3, 0.4, 0.47, 0.48, 0.47 अपलोडिंग स्पीड आया है। तो चलिए इसे एक वीडियो चला करके देखते हैं कैसे चल रहा है, बफरिंग कर रहा है या नहीं। अब मैं YouTube खोल ले रहा हूँ और इसमें मैं 4K वीडियो सर्च कर ले रहा हूँ। फोर के वीडियो आ चुका है तो मैं सबसे पहले वाले पर ही क्लिक कर दे रहा हूँ और देखें, ओ माय गॉड, यह बिना बफरिंग के ही पहली बार में चलने लगा है। और चलिए अभी देख लेते हैं, अभी 480 में चल रहा है तो मैं सबसे पहले 1080p में कर दे रहा हूँ। वो 1080p में भी चल जा रहा है। अब मैं 4K में चला करके देख रहा हूँ चल जा रहा है या नहीं। फोर के में बफरिंग करने लगा है, इतना भी फास्ट नहीं है कि 4K को स्मूथली चला सके। लेकिन देख सकते हैं कुछ ही देर में 4K भी वीडियो चलने लगा है। ओ, awesome क्वालिटी। लेकिन फिर बफरिंग करने लगा और फिर चलने भी लगा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर तो बहुत ही अमेजिंग चीज है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या यहाँ पर अमेजिंग है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा किला है जिस पर फिर उठ चुका है। तो चलिए आगे चलते हैं क्या क्या इसमें है। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं अंग्रेजों के जमाने का यह ट्रैक्टर है।
और यह इस ट्रैक्टर में देख सकते हैं चक्का कैसा लगा हुआ है, कांटे वाला चक्का। और यह चक्का तो पूरा गोल है, इसका जो आगे वाला चक्का है और देख सकते हैं किस तरह से दिख रहा है। ये क्या है, इसका ब्रेक। यह चक्का में सबसे बड़ा खूबी मुझे यही नजर में आ रहा है कि यह कभी पंचर नहीं हो सकता है, चाहे इसका पिछला चक्का हो या अगला चक्का हो, दोनों में कभी यह पंचर नहीं हो सकता है। यह पुराने जमाने का, तो इसका आगे का भाग मुझे लगता है कि निकाल लिया गया है और ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, यह बहुत ही पुराना कुआं है जिसमें अंदर ही अंदर एक रास्ता बनाया गया, सुरंग बनाया गया है जो इस नदी के बगल वाले नदी के उस बगल तक चला जाता है। इस रास्ता को बंद कर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं इस रास्ते से कोई आ जा नहीं सकता है। कमल का फूल, ओ इसके अंदर जा पाना बहुत ही मुश्किल है और पानी पता नहीं कितना गड्ढा है, तो मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।